नमस्ते, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आसान तरीके से बनाएंगे घी वाले मटर पुलाव। ये रेसिपी मैं पूजा के समय प्रसाद के हिसाब से चढ़ाती हूँ और आप चाहें तो किसी और दिन भी इसको बना सकते हैं और दाल, सब्जी, रायते या फिर प्लेन दही के साथ परोस सकते हैं। तो आइए इसे तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुकिंग पॉट को गरम करेंगे और डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। फिर डालें साबुत गरम मसाले का मिश्रण। इसमें मैंने 1 मोटी इलायची, 1 फुल चक्री, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 साबुत काले मिर्च, 1 इंच दालचीनी और 1/2 टीस्पून शाही जीरा लिया है। सारे चीजें चटकने के बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून समान भाग में कटे हुए काजू और सुनहरा होने तक मध्यम से थोड़ा कम यानी मीडियम लो हीट पे स्टर कर लेंगे। अब डालेंगे 1 कप चावल जिसको मैंने अच्छे से धो के भिगोया था 12 से 15 मिनट और मसालों में आराम से 1 से 2 मिनट के आसपास फोल्ड कर लेंगे। अब 2 कप पानी डालेंगे, फिर थोड़ा सा मिलाकर हाई फ्लेम पे उबाल पे ले आएंगे। अब डालें 1/2 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 कप हरे मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लिया है जिसको 1 कप पानी में हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक उबालकर मैंने स्ट्रेन करके रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अभी हमें इसे ढक के मध्यम से थोड़ा कम आंच में पका लेना है जैसे चावल 80% तक पक जाएं, जिसे करीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। और फिर थोड़ा सा चेक करके 1/4 कप पानी डाल के ढक दें और फिर से 5 से 7 मिनट पकने दें जैसे चावल परफेक्टली कुक हो। फिर कर लेंगे फाइनल चेक और फ्लेम को ऑफ करके परोसने से पहले 8 से 10 मिनट तक ऐसे ढक के रख देंगे। ऐसे करने से चावल अच्छे से सारा फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर लेगा और हर एक दाना खिला खिला रहेगा। तो लीजिए, घी वाला मटर पुलाव बन चुका है। आप इसे मनपसंद सब्जी या फिर किसी भी रायते के साथ सर्व करें। और ऐसे ही सिंपल स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। फ्रोजन के जगह आप चाहे तो ताजे मटर भी डाल सकते हैं। उसके लिए हरे मटर को हाई फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी आने तक पका लें या फिर किसी भी कढ़ाई या कुकिंग डिश में मटर के साथ पानी डाल के मीडियम लो हीट में पहले 50% तक कुक कर लें। तो बेसिकली हमें फ्रेश मटर को पारबॉयल करके स्ट्रेन कर लेना है और फिर पुलाव में डालना है आगे की कुकिंग के लिए। इस डिश के लिए चावल, पानी और हरे मटर को नापने के लिए आप सेम कप का अगर इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी परफेक्ट बनेगी।